जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका सेल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हर वर्ष एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको लेके हम बार बार अपने सीरीज़ के थ्रू आपको हम बता रहे हैं और उससे आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम बता रहे हैं। उसी क्रम में जो आज का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से हर बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है या कई बार सीडीएस के एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स वहाँ से क्रिएट होते हैं। तो आज का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थर्ड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, जिसको हम लोग जानते हैं गांधीयन इरा 1919 to 1947। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे गांधी जी ने पूरे मूवमेंट को होल्ड किया और उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है स्क्रीन पे गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी भारत के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करने के लिए बाद में अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ पर भी एक बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया, मूवमेंट चलाया और बहुत सारे वहाँ के रूल जो थे, जो डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों में रेसिस के बेसिस पे, उसको उन्होंने वहाँ पर ख़त्म कराया। और उन सब के बाद में महात्मा गांधी को भारत आना था। तो वो भारत आने के बाद जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, वो अफ्रीका से जब भारत वापस आते हैं वहाँ से लेकर और जो उनके अर्ली मूवमेंट्स हैं वहाँ तक हम लोग चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसको आराम से समझते रहिए और उसको नोट भी बनाते रहिए, और बाकी उसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी पीपीटी या पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस डेट को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, रिटर्न हुए। तो वो डेट है आपका 9th of January 1915। इसी डेट को NRI डे या अप्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत से वापस आए थे। तो ये अप्रवासी दिवस के लिहाज से भी और महात्मा गांधी जी डायरेक्ट, दोनों जगह से क्वेश्चन ये कई बार अदर अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से सारे पॉइंट को समझना है, जितने भी पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इसको कंपाइल किया गया है कि सारे के सारे फैक्ट स्टेटमेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहला आपका पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गोखले। तो पहला क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है किसके रिक्वेस्ट करने पे या किसके कहने पे महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए। आते वैसे भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मूवमेंट को आगे उन्होंने होल्ड किया इसलिए वहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ। तो किसके रिक्वेस्ट पे आए, तो गोखले को आप जानते हैं कि वो उनके राजनीतिक गुरु या पॉलिटिकल गुरु थे। किसके? मोहनदास करमचंद गांधी के। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, ज़्यादातर लोग ये बात जानते रहते हैं कि उनके राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने पढ़ रखा है। अब देखिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको नहीं पता होती है, ये मैसेज जो गोखले का था ये किसने कन्वे किया, तो CF एंड्रयू ने कन्वे किया। क्योंकि गोखले जब वहाँ गए थे साउथ अफ्रीका, तो महात्मा गांधी के कार्य को, उनकी चीज़ों को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, समझा, तो उनको लगा इस व्यक्ति को अफ्रीका से ज्यादा, अफ्रीका में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अपने देश इंडिया में जरूरत है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप वापस आ जाइए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया टू हेल्प विद द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जब भारत आए और इन्होंने देश के संघर्ष में देश को आज़ाद कराने के लिए पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, द लास्ट फेज इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट इज नोन एज द गांधीयन इरा। इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1919 to 1947। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि 9th of January 1915 को गांधी जी वापस आ गए। तो बेटा वापस आए हैं लेकिन उनका इरा नहीं शुरू हुआ है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है अभी तक आने के बाद से कि तुरंत उनको सारा देश जान जाए या वो मास लीडर बन जाए। तो वो जो 1915 to 1919 का जो समय होगा ना, वो अपने आप को इंडिया में प्रूफ करेंगे कि हाँ हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैलिबर है, हम की चीज़ों को होल्ड कर सकते या उन पर लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए थर्ड जो पॉइंट है, तो ये फेज है, क्वेश्चन आता है कि लास्ट फेज किसके नाम से जाना जाता है, जैसे मॉडरेट फेज हो गया आपका, एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गया, तो ऐसे ही लास्ट फेज जो है वो गांधीयन इरा या गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका जो टाइम पीरियड है 1919 to 1947। थर्ड है ऑन द रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वापस आया तो क्या हुआ, उन्होंने पहला आश्रम पूछता है और हम लोग साबरमती टिक कर देते, गलत हो जाता है, साबरमती नहीं। और यही प्रॉब्लम है कि जब हम लोग एग्जाम हॉल में होते हैं
हैं तो मुझे लगता है कि मेरे 100 में 80 सही हैं, 70 सही हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि यार हम 40 पे आ गए, 50 पे आ गए। तो होता क्या है कि फर्स्ट आश्रम इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द कोच राब में उन्होंने पहला अपना आश्रम स्थापित किया था, जो अहमदाबाद में ही है, और साबरमती का आश्रम भी अहमदाबाद में है, लेकिन वहाँ से दूर, लेकिन वो थोड़ा सा क्लोज्ड एरिया था, कवर्ड एरिया था, इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि जहाँ पर भी आश्रम बने वो थोड़ा सा नेचुरल लुक लगे, वहाँ पे हम प्रकृति से सीधे जुड़ सकें। तो पहला आश्रम इस्टेब्लिश हुआ वो कोचराब, कहाँ पे, अहमदाबाद, ऑन 25th May 1925। तो डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कोचराब जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द आश्रम वॉज देन शिफ्टेड, देखिए वही बात जो आप लोग पहले से जानते हैं, 17th June 25th May 17, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन इस्टेब्लिश वहाँ कर दिया था, कहाँ पे, पीस ऑफ ओपन लैंड, खुली जगह पे, द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती, ऑल्सो नोन द सत्याग्रह आश्रम, उसको हम साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, महात्मा गांधी का आश्रम, इन सब नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात बस समझनी है कि महात्मा गांधी जी वापस आए तो सबसे पहले अहमदाबाद के कोचराब, फिर वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर लिया साबरमती के आश्रम। और एक पोएम सुनी होगी आप लोगों ने कि साबरमती के संत तो ने कर दिया कमाल, मतलब कि ये हम लोग बचपन में अपने स्कूलों में गाना सुनाते थे। किस तरीके, जो फोर्थ पॉइंट है, गांधी जी टूर्ड द कंट्री फॉर वन ईयर गोखले इंसिस्टेंस, मतलब गांधी जी ने कहा कि हम कैसे जाने कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो गोखले जी ने कहा कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने से पहले उसको समझना जरूरी है, अगर आप देश को आज़ाद कराना चाहते हैं या जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें भारत को समझना पड़ेगा, एक्चुअल में भारत कहाँ है। तो महात्मा गांधी हमेशा से कहते थे जो भारत है हमारा वो गांवों में बसता है, और हमें ये कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये जो सिटीज़ है ना, इनको छोड़ के हमें गाँव में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मास है ना, जो लोग हैं, जो क्राउड है, वो कहाँ रहता है, गाँव में रहता है, इसलिए हमें गाँव की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी अपनी जर्नलिस्ट इनके साथ में पूरे इंडिया को ट्रैवल करने लगते और देखते यार भारत बहुत गरीब देश है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, महामारी जगह जगह खाने की समस्या है, लोगों के पास में इलाज की समस्या, हर बेसिक प्रॉब्लम को देखते कि एक्चुअल में है क्या इंडिया। वो हर बात को समझने के बाद में वो वापस डिसाइड करते हैं कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए, और ज्वाइन करने के बाद में हमें अपने मूवमेंट को अपने तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये फोर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो अगली चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट है, महात्मा गांधी बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। अब वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है नेशनल मूवमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके नाम से हीरा जान रहा है, कोई विवाद नहीं, सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ये एक अपनी बात है। उनके जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, नॉन वायलेंस, वो अहिंसा में विश्वास करते हैं। वो क्या कहते हैं, सत्य, सत्याग्रह है, मतलब हम सत्य के लिए भी क्या करेंगे, आग्रह करेंगे, मतलब ये जो होती मैक्सिमम, मतलब पराकाष्ठा है न्याय की, कि हमें सच के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, आग्रह करना पड़ रहा है, और उसको उन्होंने क्या बनाया, अपना वेपन बनाया, अपना हथियार बनाया नॉन वायलेंस को, और सत्याग्रह के लिए वर एम्प्लॉयड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इस सरकार के खिलाफ इन दो चीज़ों को कि सत्याग्रह, और वो भी कैसा होगा, नॉन वायलेंस होगा। गांधी मेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट अ मास मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, जिसको कांग्रेस के अदर मेंबर्स, मतलब गांधी जी को छोड़ के, जो राष्ट्रीय आंदोलन कहते थे सॉरी, उसको उन्होंने क्या बना दिया, मास मूवमेंट बना दिया, मतलब जन आंदोलन बना दिया, कि खूब बहुत सारे लोग, क्राउड उन्होंने कनेक्ट कर दिया। सिक्स्थ जो पॉइंट है, गांधी जी ज्वाइन द INC, मैंने बता दिया आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, किसके, कांग्रेस के। वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडियन इश्यूज एंड पॉलिसीज एंड गोखले बिकेम हिज पॉलिटिकल गुरु, वही चीज़ आगे जो मैं आपको बता रहा था कि वो उन्होंने भारत से परिचय कराया, भारत की समस्याओं को बताया कि भारत में क्या क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, और आगे चल के उनके वो क्या बन गए, राजनीतिक गुरु बन गए, किसके, महात्मा गांधी के, कौन, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो इस्टेब्लिश करने के समय से लगातार कांग्रेस में क्या थे, एक्टिव थे और एक मॉडरेट लीडर थे। सेवन्थ पॉइंट क्या है, वायसराय चेम्सफोर्ड हैड इन्वाइटेड वेरियस इंडियन लीडर्स टू अटेंड अ वॉर कॉन्फ्रेंस। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो टाइम है वो चल रहा, महात्मा गांधी जी कब आए इंडिया, 1915 में, आप जानते हैं किस मंथ में आए, जैन में 9 को आए, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, हम लोग जानते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में रन हुआ।
तो जो अंग्रेज के यहाँ पे वायसराय थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो ये चाहते थे कि भारत उनको सपोर्ट करे, मतलब उनके लिए फाइट करे, उनको टैक्स हैवी पे करे, उनको मेडिकल सपोर्ट करे, हर तरीके से सपोर्ट चाहते थे। तो उन्होंने सभी पार्टियों के लीडर को बुलाया, जो वायसराय थे, कौन सा वायसराय थे, जेम्स फोर्ड हैज़ इन्वाइटेड वेरियस इंडियन लीडर। और वॉर कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने युद्ध के लिए जो कॉन्फ्रेंस किया, गांधी भी वहाँ गए, क्योंकि गांधी जी को हम पढ़ा रहे हैं इसलिए गांधी जी की यहाँ पे बात हम करेंगे। तो गांधी जी भी वहाँ गए और उन्होंने दिल्ली में इसको अटेंड किया, जो वॉर कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वॉर के लिए। और उन्होंने क्या कहा, एक रिक्रूटमेंट कंपेन चलाया, कहाँ पे, कैरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, कैरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार आया एग्जाम्स में, लेकिन यहाँ ये समझने वाला है कि कैसे कांग्रेस गांधी जी ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की उन्होंने क्या की, हेल्प की, और उसके लिए लोग भर्ती हो, इसके लिए एक मुहिम चलाई, कंपेन चलाई, कहाँ पे, कैरा जिला, किस राज्य में, गुजरात में। तो इस तरीके से पहले वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर वॉर हम क्या कर देंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा और वो आराम से अपनी पॉलिसी, अपनी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गांधी जी ने आने के बाद में जितने पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन 100% जो कहते हैं ना क्वेश्चन आना ही आना है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपकी हेडिंग क्या है, द अर्ली मोमेंट, गांधी जी के शुरुआती मोमेंट कौन से थे, तो ये सीक्वेंस सेट करने के लिए भी आता है, क्रोनोलॉजी भी आपकी आती है और इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जो पहला है, महात्मा गांधी ने जो पहला मोमेंट किया वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में। अभी दूसरा कौन सा है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद में मजदूरों के थ्रू क्या हो गया था, वहाँ पे मिल स्ट्राइक कर दी गई थी, इस तरीके से ये हो गया। तीसरा जो मूवमेंट है, खेड़ा सत्याग्रह, जहाँ पे किसानों ने क्या किया था, एक मूवमेंट लॉन्च किया था, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, सूख गई थी, फिर भी ब्रिटिशर्स उनसे ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे, वो पे करना नहीं चाहते थे। ये तीनों जो मूवमेंट हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तीनों को अगर किसी ने होल्ड किया है, जो लीड किया है, किसने किया है, गांधी जी, तो इनके अर्ली मूवमेंट है। तीनों मूवमेंट को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद में एक एक करके तीनों मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं। तो पहला मूवमेंट आपके सामने आ गया है, ये मूवमेंट आपका है चंपारण सत्याग्रह 1917। अब देखिए 15 में आए, वो एक साल भारत घूमे, भारत में घूमने के बाद में उनका जो मन था कि भारत कहाँ है, गांव में है, तो उन्होंने दिल्ली से बहुत दूर बिहार राज्य के चंपारण, जो एंड में पड़ता है बिल्कुल, वहां के प्रॉब्लम्स को लेके उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, कब, 1917 में। तो इतना याद रखिएगा कि 15 में आए हैं, तो जो भी महात्मा गांधी से रिलेटेड घटनाएं होंगी वो आफ्टर 15 होंगी। तो 1917 पहला पॉइंट देखते क्या है, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि हमें सरकार की बातों को नहीं मानना है, मतलब सिविल ना फरमानी, कि उनके बनाए गए कानून या उनकी बातों को हमें इनकार कर देना है, ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी, पहले से पता है। अब क्वेश्चन आता है कि चंपारण में जो प्रॉब्लम थी, अब महात्मा गांधी को कैसे पता चला वो दिल्ली में है, गुजरात में है या सिटीज में है, और चंपारण की प्रॉब्लम उनको कैसे पता चली, उस समय फोन, व्हाट्सएप या ऐसे सोशल स्टेशन तो थे नहीं। तो हुआ क्या था कि वहां से किसान आया था जिसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने महात्मा गांधी जी से मिले और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि वहां पे कैसे नील की जो बगान है, जो नील बगान मालिक है, उनके साथ कैसे वो अत्याचार कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने उनको देखा, उनकी बात को समझा और उनसे प्रॉमिस किया कि मैं वहाँ आऊँगा, आई विल बी देयर, कहाँ पे, आपके चंपारण में। उसको विश्वास था कि ठीक है, मैं बहुत सारे लीडर्स के पास गया लेकिन कोई भी तैयार नहीं था, और आप इसके लिए तैयार हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैं चंपारण आऊँगा, आपकी प्रॉब्लम्स को देखूंगा। फिर क्या हुआ, तो यूरोपियन प्लांटर्स अब प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन आता है कि क्यों सत्याग्रह हुआ, क्यों चंपारण, प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे, प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, जो बगान मालिक थे, वो फोर्स कर रहे थे किसानों को कि क्या करिए, इंडिगो को ग्रो करिए, नील की खेती करिए, ऑन द 2/3 की जितनी भी आपके पास भूमि है उसके 3/20 भाग पे आप इसको उगाइए।
और वो इसके लिए तैयार नहीं थे, और यही सब रीजन थे कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को बार बार फोकस किया जा रहा था, जिससे हमारे यहाँ पे बार बार भुखमरी पड़ रही थी और लोग एक भारी मात्रा में उनकी डेथ हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि 3/20 भाग में खेती करिए टोटल लैंड, कॉल द तीन कटिया व्यवस्था। इसको एग्जाम में कई बार आता है कि तीन कटिया सिस्टम या तीन कटिया व्यवस्था किस आंदोलन से संबंधित है, रिलेटेड टू विच मूवमेंट तीन कटिया सिस्टम। तो सीधे आप बिल्कुल बिना समझे चंपारण वाले ऑप्शन पर क्या कर देना है, टिक कर देना है, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी इंडिगो को लेके, और वहाँ पे ये तकावी रड या तीन कटिया व्यवस्था की समस्या थी। जो थर्ड पॉइंट है, गांधी जी ऑर्गेनाइज अ पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। एक बड़े लेवल पे उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दिया। किसके खिलाफ, तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट भी शुरू कर दिया। फाइनली द अथॉरिटीज परमिटेड द गांधी टू मेक अ इंक्वायरी एमंग द पीजेंट्स। उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि इंक्वायरी करा लीजिए किसानों के साथ में। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी टू लुक इनटू द मैटर एंड नॉमिनेटेड गांधी इज अ मेंबर। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या गांधी जी उसके मेंबर थे। अब स्टेटमेंट बन के आता है कि जो वहाँ कमेटी गवर्नमेंट ने फॉर्म की किसके लिए, इंडिगो प्लांटर्स या तीन कटिया सिस्टम के समस्या को समझने के लिए। तो हाँ की और गांधी जी क्या मेंबर थे, तो यस गांधी उसमें मेंबर थे। किसमें, जो उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी। तो सामान्य तौर से चंपारण स्टार्ट हुआ, गांधी जी को पता चला चंपारण की प्रॉब्लम को, गांधी जी वहाँ गए और लोगों ने समस्या बताई, गांधी जी ने सरकार के खिलाफ एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया और साथ में ही उनके साथ में क्राउड हो लिया। अब आगे हम समझते हैं, ये देखिए एक पिक्चर है चंपारण सत्याग्रह की, कैसे महात्मा गांधी ने यहाँ पे कैसे वर्क किया। मैं छोटा सा एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ कि जब गांधी जी बता दिए कि मैं इस दिन इस ट्रेन से वहाँ पहुँचूंगा, तो वो किसान पहले से जाके वहाँ के सारे गाँव में उसने बता दिया कि बाहर से एक बाबा आने वाले हैं और वो हमारी समस्या को क्या कर देंगे, उन्होंने वादा किया है कि आपकी समस्या को हम ख़त्म कर देंगे। और उस ट्रेन जब वो आने वाली थी, वहाँ पे अचानक से लाखों की संख्या में वहाँ पे क्राउड आ गया। वहाँ जो स्टेशन पे पुलिस थे वो चौंक गए कि इतनी सारा क्राउड, इतनी सारी जो भीड़ है वो क्यों आ गया अचानक से, ऐसा तो नहीं कोई अटैक होने वाला है, लूट होने वाली है। लेकिन जब महात्मा गांधी जी वहाँ से उतरे तो लोग भाई वो शौक थे कि हाँ भाई एक व्यक्ति आया है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की कि आप यहाँ पे क्यों आए। भाई महात्मा गांधी जी आप जानते कि वो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा ऑन व्हाट चार्ज, आप किस चार्ज के विहाफ पे हमें अरेस्ट करना चाहते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो वापस चले गए और उन्होंने पूरे गांव में जाके, चंपारण के सारे गांव में जाके प्रॉब्लम को समझी, मीटिंग्स की। यहाँ पर देखिए किस तरीके से फसल में इंडिगो एग्रीकल्चर को दिखाया गया है कि कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। इस स्थिति देखिए, सिर्फ उन्होंने क्या पहन रखा है कि अपने आधे पार्ट को ही कवर कर रखा है और बाकी ये सिचुएशन थी, वो गरीबी थी हमारे देश की। और इस तरीके से मूवमेंट को लीड कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, यहाँ पर ये मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और ये आपका चंपारण का पूरा सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया। सरकार को भी समझाने में वो सफल रहे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लीजिए आप लोग, क्या हुआ फिर लास्ट में। फोर्थ पॉइंट, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ये उसमें बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल 20 से लेके 25 साल की इनकी एज हुआ करती थी। अदर इमिनेंट लॉयर्स, ये सब एडवोकेट थे, वो क्या हुए, इंस्पायर्ड हो गए किससे, गांधी जी से, कि यार कोई तो नेता है ना जो वास्तव में लोगों के बीच में जाना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है। वो उनके वॉलंटियर बन गए और उन्होंने क्या किया, फाइट किया, कहाँ पे, कोर्ट में किया, और उसके लिए कोई भी चार्ज उन्होंने नहीं लिया। ये जो नाम पहली बार आप सुन रहे ना, आगे चल के ये कैबिनेट से लेके बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो जी हो, चाहे अनुग्रह नारायण सिन्हा जी हो, चाहे जेबी कृपलानी जी हो। तो इन लोगों ने यहाँ अपनी जर्नी देश को आजाद कराने के लिए स्टार्ट की है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी वॉज एबल, वो बिल्कुल प्रिपेयर थे, कन्विंस कर लिया किसको, अथॉरिटीज को, एबॉलिश द सिस्टम, उन्होंने कहा जो आपकी तीन कटिया सिस्टम है उसको खत्म करिए, अदरवाइज और बड़ा मूवमेंट होगा। एंड द पीजेंट वर द कंपनसेट, जो उनका नुकसान हुआ है भरिए, इलीगल जो ड्यूज किए गए हैं आपने लिए हैं, उनसे टैक्सेस लिए हैं, उनको वापस करिए। जो सिक्स पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन आता है किसने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया, तो किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये तो बात पता है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है, किस मूवमेंट के सफल होने के बाद उपाधि दी, तो ये आपका हो जाएगा। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये देखिए आप ध्यान से,
किस तरीके से इन्होंने इसको प्रोवाइड किया है, किस मूवमेंट के सफल होने के बाद में, तो ये चंपारण के सफल होने के बाद में जो हम लोगों ने अर्ली मूवमेंट स्टार्ट किया है, तो ये जो पहला मूवमेंट है चंपारण के सफल होने के बाद में, टैगोर जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को किस नाम से पुकारा, उनको उन्होंने क्या कहा, महात्मा कहा, ये बात मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है उसको हम समझ लेते हैं। तो चंपारण को तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डेवलप कर लीजिएगा, 1917 चंपारण बिहार, ठीक है। जो दूसरा आपका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है 1918, तुरंत बैक टू बैक, गैप नहीं करना है, तुरंत जो भी प्रॉब्लम है। अब वहां से गांधी जी आए, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, बोले ठीक है वहां चलते हैं, अहमदाबाद चलते हैं। वहां क्या मामला था, वहां पे वहां के जो लेबर थे अहमदाबाद के मिल के, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, क्यों देखते हैं एक-एक करके। गांधी वो, दिस वॉज द गांधीज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या था, सिविल डिसोबीडियंस, कौन, चंपारण। यहाँ क्या था, पहला हंगर स्ट्राइक किसका है, गांधी जी का, क्योंकि इंडिया में भी आए हैं और बैक टू बैक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। ही इंटरवेंट द डिस्प्यूट बिटवीन द मिल ओनर, इन्होंने इंटरफेयर किया कहाँ पे, मिल ओनर अहमदाबाद एंड द वर्कर्स, जो मालिक और जो वर्कर्स थे उनका जो इशू था। इशू क्या था, क्वेश्चन आता है, इशू कुछ नहीं था, सिर्फ प्लेग बोनस को लेकर इशू था, क्योंकि इंडिया में प्लेग आया हुआ था। और दूसरा रीजन था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, वो बढ़ गई थी, और इस वजह से लोग क्या मांग रहे थे, बोनस मांग रहे थे। कौन मांग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, नौकर ही मांगेगा, मालिक तो नहीं मांगेगा। तो वर्कर्स मांग रहे थे, और जो ओनर थे, मालिक कभी भी देने के लिए तैयार नहीं होता था, वही ब्रिटिश रूल की बात है। फिर जो सेकंड पॉइंट है, द वर्कर्स वर डिमांडिंग, कितना मांग रहे थे वो, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट, 50% टोटल का, देयर वेजेस, व्हाइल द एम्प्लॉइज वर द विलिंग द कंसीड बाय अ 20% बोनस। उनको देना कितना चाहते थे, 20%। बात ये हो गई, वर्कर्स मिले किससे, अनसुईया साराभाई, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनसुईया साराभाई से रिक्वेस्ट किया कि जस्टिस के लिए किससे आप मिलिए, गांधी जी से हेल्प चाहिए हमें, क्योंकि अनसुईया साराभाई जो है बेन है, ये उस मोमेंट में एक एक्टिव लीडर थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं गांधी जी से बात करूंगी, और गांधी जी सहमत हो गए, क्योंकि वो देश के लिए काम करना चाहते थे। और उन्होंने क्या कर दिया, पहला हंगर स्ट्राइक उन्होंने प्लान कर दिया कि हमें क्या करना है, भूखे रहना है, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करना है, हमें भूखे रह के उनको चेंज करना है, उनके मन को बदलाव करना है। अब देखिए किस तरीके से, मैं आपके सामने पिक्चर्स लाया हूँ, कैसे वो कन्विंस कर रहे हैं। ये उन्होंने स्टार्ट किया है अनसुईया साराभाई, महात्मा गांधी, ये जो मूवमेंट है आपका, ध्यान से देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ये फोटो है उस समय गांधी जी की। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गांधी जी एड्रेसिंग वर्कर्स, वो क्या कर रहे हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो ज़्यादा थे, फिर भी आपको फाइट नहीं करनी है, आपको हिंसा नहीं करनी है, आगजनी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए भूख हड़ताल करनी है, अपना खाना छोड़ना है, उनको चेंज करना है, ये हमारा देश है, ये हमारी मिलें हैं, अपना नुकसान नहीं करना है। ये उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को एड्रेस किया, उनको समझाया कि कैसे हमें इन चीजों को चेंज करना है। दैट्स ओके। फिर क्या हुआ, आगे होना क्या था, ही आस्क्ड द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक एंड रिमेन। उन्होंने कहा स्ट्राइक पे जाइए, लेकिन क्या करना है, नॉन वायलेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी अहिंसा वर्ड का नाम सुनेंगे तो महात्मा गांधी आपके सामने आ जाएंगे। द अंडर टू का फर्स्ट अंटू द डेथ ऑफ स्टैन, जब तक आपकी डेथ हो जाए भले ही, लेकिन आपको अपना हंगर स्ट्राइक करना है जब तक आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व ना हो जाए। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, द मिल ओनर्स फाइनली एग्रीड टू सबमिट इशू द ट्रिब्यूनल। देखिए जो मालिक थे वो भी महात्मा गांधी से आके मिले, महात्मा गांधी ने कहा उनसे कैसा है, आप ओनर हैं लेकिन मिल आप नहीं चला पाएंगे, वर्कर ही चलाएंगे, आपके एम्प्लॉई ही चलाएंगे, तो उनकी डिमांड को मानिए, 20% आप देना चाहते हैं, 15 और बढ़ा दीजिए, 35% आप दे दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, गांधी जी की अगर बात आप मानोगे तो उनका कद जो होगा बढ़ जाएगा, आप इस मामले को लेके आइए न्यायालय में, न्यायाधिकरण में, ट्रिब्यूनल में। बोले ठीक है दैट्स फाइन, हम जाएंगे लेके। वो गए कहाँ पे, गए ट्रिब्यूनल में लेके। और सबसे मजे की बात तो ये रही कि स्ट्राइक वॉज विथड्रॉ कर ली गई कब, एंड द वर्कर्स रिसीव्ड 35 इंक्रीज इन देयर वेजेस। जो ट्रिब्यूनल था उसने क्या आदेश दे दिया मिल मालिकों को, कि बिल्कुल जायज मांग है कि आप 35% का बोनस उन्हें दीजिए। अब महात्मा गांधी डिमांड कर रहे थे, वही वर्कर की बात थी, और वही जब ट्रिब्यूनल ने कह दिया, न्यायाधिकरण ने कह दिया, आज भी हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब कोर्ट का कोई आदेश आ जाता है तो हम सारे के सारे लोग क्या होते, सारी पार्टियां, हम भाई कोर्ट की बात को सहमत हैं, हम उनकी बात को मानते हैं। और ये भी आंदोलन क्या हुआ, चंपारण की तरह ही
फुल ऑन सक्सेस हुआ, सफल हो गया, वर्कर्स को जस्टिस मिल गया, उनको बोनस मिल गया, गांधी जी को लोग बिल्कुल, गांधी जी जो भी हैं, गांधी जी उन पर पूरा उनका ट्रस्ट क्रिएट होने लगा। तो ये उनका सेकंड मतलब फर्स्ट बॉल पे सिक्स, सेकंड बॉल पे भी फाइनली सिक्स। अब देखते हैं जो थर्ड उनका है, थर्ड मोमेंट है अर्ली मोमेंट में, उसी ईयर में बिल्कुल सेम बैक टू बैक 1918 खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ था, प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। वहां पे बोनस का मामला था, वहां पे इंडिगो प्लांटर्स का मामला था, यहाँ पे देखते क्या है। तो खेड़ा सत्याग्रह वाज़ द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, मतलब फिर देखिए अब आ गई ना वही बात कि पहले में क्या था सिविल डिसोबीडियंस, दूसरे में क्या था हंगर स्ट्राइक, और तीसरे में क्या है नॉन कोऑपरेशन, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। उन्होंने क्या कर ऑर्गेनाइज कर दिया मूवमेंट, किसने, गांधी जी ने। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, चंपारण क्वेश्चन दिया, चंपारण मूवमेंट देगा आपको, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मूवमेंट देगा, खेड़ा देगा, और एक कोई मूवमेंट दे देगा, और तीनों में क्या देगा आप में एक सिविल देगा, एक में हंगर स्ट्राइक देगा, और एक में आपको दे देगा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब कहेगा मैच करिए, अब वहां पे आपको तीनों मूवमेंट याद है, बट अगर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो क्रोनोलॉजी या मैच करने की बात आएगी तो गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत इसको समझदारी से एक उसको बना के इंडेक्स तरीके से नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, बिकॉज ऑफ द थ्रॉट, मतलब सूखा पड़ गया था कब 1918, क्रॉप्स फेल्ड, वो क्रॉप सूख गई थी। खेड़ा की डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड अगर ऐसा हो जाता है आपके टोटल उत्पादन का फोर्थ, वन फोर्थ ही होता है, तो क्या होगा आपको नॉर्मल प्रोडक्शन का अगर वन फोर्थ होता तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। फिर भी द फार्मर्स फॉर द इंटाइटल फॉर द रिमिशन, वो मांग रहे थे क्या कि आप इसके बाद भी आप क्या करिए टैक्स पे करिए। तो इसके लिए वहाँ पे एक सभा थी जिसका नाम है गुजरात सभा। पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में कि खेड़ा सत्याग्रह में किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया, तो खेड़ा सभा, सॉरी गुजरात सभा खेड़ा सत्याग्रह में, और उस वर्ष गुजरात सभा का अध्यक्ष कौन था, तो गांधी जी थे। मजे की बात यह है, क्वेश्चन भी इसीलिए इतिहास में बनते और हमसे गलत हो जाते हैं। अब आपको पता है खेड़ा क्या है, लेकिन खेड़ा में पूछ लिया कि किस सभा ने, गुजरात सभा ने, फिर पूछ लिया जिस वर्ष खेड़ा सत्याग्रह हुआ उस वर्ष गुजरात सभा का अध्यक्ष कौन था, तो गांधी जी लिखा हुआ है। सेंट अ पिटिशन रिक्वेस्ट किया वेन्यू रेवेन्यू का असेसमेंट करने की बात की, बट द अथॉरिटीज रिफ्यूज टू ग्रांट परमिशन। उन्होंने क्या किया, अथॉरिटीज ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गया। ये जो पिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी जी खेड़ा में स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे फार्मर्स ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना, आपको माल गुजारी जो देना हो फसल का जो कर देना उत्पादन का आपको पे नहीं करना, हमें कोई भी सहयोग नहीं करना। इस तरीके से उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। फिर जो नेक्स्ट है देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट जो है आपका, यहाँ पे समझ लेते हैं क्या हुआ खेड़ा में। फाइनली खेड़ा में ये हुआ, गांधी सपोर्टेड द पीजेंट, ऑब्वियसली बात है उन्हीं के लिए वो गए थे, विथ होल्ड रेवेन्यू, ठीक है। ड्यूरिंग द सत्याग्रह मैनी यंग नेशनलिस्ट सच सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते हैं, इसी मूवमेंट में उनकी मुलाकात हुई। इंदूलाल याग्निक बिकेम द गांधीज फॉलोअर, सरदार और इंदूलाल दोनों इनके फॉलोअर बन गए महात्मा गांधी के, क्योंकि 15 में आए, 17 16 में भारत घूमने गए, 17 में चंपारण चले गए, 18 में आए अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से खेड़ा, दोनों लोग इनके फॉलोअर बन गए। फिर गवर्नमेंट क्या हुई, फाइनली एग्री हो गई, कोई ऑप्शन नहीं था, इतने लोग थे, गवर्नमेंट भी बोला कि ठीक है हम मान जाते हैं, और एग्री उनको एग्री हो गई। किस लिए एग्री हो गई, कि फार्मर्स एंड हेंस द टैक्स वर सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दिया फॉर द ईयर 1919 टू 1920। ये देखिए उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि हमें कोई भी टैक्स नहीं लेना है, एंड ऑल कॉन्फिसकेटेड द प्रॉपर्टीज वर रिटर्न, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की गई थी वो भी किसानों को वापस कर दी गई। तो इस तरीके से ये मूवमेंट भी क्या रहा, फाइनली ओवरऑल ये सक्सेस रहा पूरी तरीके से। और मजे की बात, जो अगली फोटो आप देख रहे हैं, ये क्राउड देखिए, पूरा ह्यूज क्राउड देखिए, इससे महात्मा गांधी क्या बन गए। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, सबसे पहले आपने चंपारण देखा, अहमदाबाद देखा, खेड़ा देखा, मतलब बैक टू बैक तीन की तीनों बॉल पर सिक्स महात्मा गांधी जी ने मार दिया, और फाइनली वो क्या बन गए, मास लीडर बन गए। ये आपके हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जो क्या हो गए हैं, पूरे मास को वो लीड कर रहे हैं, पूरे भारत को होल्ड करने लगे। और इसी के बाद जब वो असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो भारत को लगेगा कि ये वो व्यक्ति है जो भारत को आज़ाद करा देगा। आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही महात्मा गांधी जी के बारे में, कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा कि हाड़ मास का बना हुआ एक ऐसा भी व्यक्ति था।
तो इस तरीके से जितनी मैंने आपको बातें बताई वो आप याद कर लीजिएगा। आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको कहना हो, अप्रिशिएट करना हो, ओके बोलना हो, आप वहाँ बोल सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से सील डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।